थर्मोडायनेमिक्स 1 के लेक्चर 11 में आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को आबंध ऊर्जा भी कहते हैं। क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? साधारण भाषा में हम देखें तो मानक अवस्था में किसी बंध के घटक परमाणुओं को गैसीय अवस्था में एक दूसरे से अनंत दूरी पर अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आबंध ऊर्जा कहते हैं। द बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मोल रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यानी कि जिन एटम्स से मिलकर के वो अणु बना है उस परमाणुओं से, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स से यानी कि परमाणुओं से मिलकर के वो अणु बना है, उस अणु को उन परमाणुओं में तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की औसत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसे नॉर्मली हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम देखें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, तो होमोलिटिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये वास्तव में अलग अलग कंपाउंड्स में, अलग अलग यौगिकों में किसी पर्टिकुलर एक्स वाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज होती हैं, यानी कि जो एनर्जी होती है उसको ब्रेक करने के लिए, उनकी एवरेज वैल्यू बॉन्ड एंथैल्पी होती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सी एच बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल। तो अलग अलग कंपाउंड में सी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की एवरेज वैल्यू उस सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी, क्योंकि उस बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ऊर्जा हमें चाहिए उस सी एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया। तो हम ये देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हो गए। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक स्पीशीज़ में तोड़ने के लिए हमें दो स्टेप्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल केवल एक रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोजन और OH- आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि दो रिएक्शन के द्वारा हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मिलते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल दो स्टेप के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एंथैल्पी है 298 केल्विन पर, वो 502.1 किलो जूल पर मोल है। और सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो एंथैल्पी है वो 423.4 किलो जूल पर मोल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल जो एंथैल्पी चेंज है 298 केल्विन पर वो आता है 925.5 किलो जूल पर मोल। इस प्रकार से दो OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो 925.5 किलो जूल पर मोल है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए हम इस मात्रा को, ऊर्जा की इस मात्रा को दो से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो औसत ऊर्जा का मान आ जाएगा 462.8 किलो जूल पर मोल। अब हम देखते हैं कि मीथेन में सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीथेन मिलके बना है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो इस वापस से कार्बन और हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए तीन स्टेप्स से हमें गुजरना होगा। तो तीन स्टेप्स में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो अलग अलग है। तो एक सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी को निकालने के लिए हम इन तीनों स्टेप्स में जो एनर्जी चेंज है उसको पहले ऐड करेंगे, फिर उसको तीन से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगी फॉर ईच सी एच बॉन्ड, ना एक सी एच बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि सी एच फोर पहले कार्बन और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक होता है और इसमें एनर्जी चेंज है 75.31 किलो जूल पर मोल। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि जो कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और 716.7 किलो जूल पर मोल और एनर्जी की आवश्यकता है।
इसी प्रकार से दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन एटम हमें देते हैं और एनर्जी चेंज होता है 827.0 किलो जूल पर मोल। जब हम सभी इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 1664.0 किलो जूल पर मोल। अब हमें प्रत्येक CH बॉन्ड के लिए एवरेज एनर्जी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी निकालनी है जिसका मान आता है, अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 CH बॉन्ड है मीथेन के अंदर, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो 416 किलो जूल पर मोल हमारे पास एक CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से हम अगर इस एग्जांपल को लें जिसमें कि इथेन एक क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके बना रहा है, रेडिकल मान लीजिए, क्लोराइड रेडिकल से रिएक्शन करके इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इथिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इथेन में जब एक सी एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा 1 से 1.1 किलो कैलोरी पर मोल है। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 103.15 किलो कैलोरी पर मोल है। हम यहाँ देखें कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तो एक्सोथर्मिक नज़र आ रही है, यानी कि उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है और डेल एच का मान -2.1 किलो कैलोरी पर मोल आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे रिवर्स रिएक्शन देखते हैं, रिवर्स रिएक्शन में जो रिवर्स रिएक्शन है 298 केल्विन पर वो एंडोथर्मिक है और उसके लिए डेल्टा एच का मान +2.1 किलो कैलोरी पर मोल होगा क्योंकि ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा उसमें अवशोषित हो रही है। हाँ, अब देखें सिग्निफिकेंस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की क्या महत्व, इसकी महत्ता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो इसका क्या क्या उपयोग है, उपयोगिता हमें देखनी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो रासायनिक प्रक्रम होते हैं, उनमें होने वाली एनर्जेटिक्स को ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। दीज आर यूजफुल इन एसेसिंग द एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्योंकि एक एंथैल्पी है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी एक अवस्था फलन होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ चेंज होता है, जैसे जैसे अणुओं के अंदर उनका संकरण परिवर्तित होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान भी चेंज होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ या किसी अदर एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके वो सबसे वीक होगा, और अगर किसी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसे तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। द कोरिलेशन विद हाइब्रिडाइजेशन कैन बी व्यूड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द CH बॉन्ड लेंथ। बिल्कुल, हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन किससे होता है, बॉन्ड लेंथ से होता है। लॉन्गर बॉन्ड फॉर्म्ड विद sp3 ऑर्बिटल्स आर कॉन्सिक्वेंटली वीकर, यानी sp3 ऑर्बिटल्स के साथ जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी लंबाई लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो वीक होते हैं, और जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं जो कि ज़्यादा इस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल्स के साथ बनते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा इस कैरेक्टर, यानी कि sp जो है वो सबसे ज़्यादा इस कैरेक्टर वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें 50% एस कैरेक्टर होता है, और sp2 में उससे कम परसेंटेज होता है इस कैरेक्टर का, और sp3 में सबसे कम परसेंटेज होता है इस कैरेक्टर का, तो इसलिए जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है। CH बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज सब्स्टिट्यूशन के साथ भी चेंज होती हैं। अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मीथेन, तो ये स्ट्रांगेस्ट CH बॉन्ड इसके अंदर होगा। CH बॉन्ड ऑन प्राइमरी कार्बन आर स्ट्रांगर देन दोज ऑन सेकेंडरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन पर जो CH बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं सेकेंडरी कार्बन की तुलना में, और जो सेकेंडरी कार्बन के CH बॉन्ड हैं वो टर्शरी कार्बन की तुलना में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय।
उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।